कई चैनल वाले यहाँ पे आके बिल्कुल कई से जी न्यूज वाले आज तक वाले सब आकर यहाँ पर देखा, कैमरे लगाए अंदर। अच्छा। और उसके बाद उनकी परीक्षा ली, मगर उनके कैमरे भी फेल हो गए। अच्छा। और यहाँ से गाड़ी में जो है वापसी प्रस्थान की ओर चलता हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे साथ कोई अनहोनी हो। जो उनके लड़के आसु थामा है वो प्रतिदिन इनकी पूजा करने आते हैं। आज भी आते हैं? ऐसा सुना है आज भी आते हैं। जी, रात में 12-1 बजे वो पूजन करके चले जाते हैं। तो दूर के देख सकते हो आप लोग कि मंदिर का गुम्बद शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और यही वो मंदिर है जिस पर अश्वत्थामा जी आते हैं, और किसी को पता नहीं चलता वो कब आकर के पूजा अर्चना कर जाते हैं। आज भी यहाँ पे 12 बजे और 2 बजे के बीच में कोई आत्माएं आती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि ये मिथ्या है? ये मिथ्या है, झूठ है। यहाँ पर अश्वत्थामा जी आज भी आते हैं, और मंदिर के कपाट बंद होने के बाद रात में जो भी वाक्य होता है वो कोई भी नहीं जान पाया। कई न्यूज चैनल ने कैमरे भी लगाए, सब कुछ लगाया। मंदिर कितना पुराना होगा अंदाजा? मतलब ये द्वापर का है। आपको बता दूं यहाँ पर कई सारे मीडिया चैनल भी आए, जी न्यूज, आज तक वगैरह, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हमारी बात भी हुई। मुझे कहावत ऐसी कि अश्वत्थामा जी आते हैं आज भी यहाँ पर, तो ये पहली बार कब पता चला इस तरीके का कि अश्वत्थामा जी वाकई में आते हैं या कुछ? मित्रों नमस्कार, मैं आज नाइट में, आप लोग कहते हो ना नाइट में आओ, और मैं आपको अभी गूगल टाइम भी दिखा देता हूँ। एक मिनट फोन देना भाई, मैं फ़िलहाल मैं आपको खुल के बता दूं कि मैं 12 बजे नहीं आया हूं, मैं आया हूं यहां पर 10 बजे के आसपास। और एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं गूगल टाइम इंडिया, ये देखो फ़ोन पे मैं गूगल टाइम इंडिया दिखा देता हूं। तो ये देखो आपके सामने, ये फोकस कर दिया मैंने, वो सेल्फी से मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से भी एक बार दिखा देता हूँ इसको कि गूगल टाइम क्या हो रहा है। ये हमारे पास गूगल टाइम है हमारा, तो फ़ोन जो है बंद हो जाता है भाई, फोकस कर ले, आई थिंक ये फोकस कर रहा है, ये थोड़ा मोबाइल पे दिखाना भाई, ये गूगल टाइम है हमारा, और इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं हम फिर से एक बार। फिर से देखो आपके सामने सर्च किया मैंने, और ये देखो, ठीक है, क्या दिखा रहा, फोकस कर, 10:02, ठीक है। और ये देखो भाई, ये हमारा गाड़ी का टाइम, और ये रहे हम। तो मैं जो है 10 बजे आया हूँ, मैं अभी बैक कैमरा फिर से अपना ऑन, सेल्फी कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको टाइम दिखा दिया, 10:02 हो रहा है करीब, और मैं 12 बजे नहीं आ पाया यार, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और बहुत दूर आना था अपने घर से। और आपको मज़ा आएगी कि मैं कहाँ आया हूँ। आपने बहुत सारी न्यूज़ में अब तक देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे। एक कहानी है जहाँ वो एक यूपी का एक मंदिर है, और करीब वहाँ वो बहुत ही पुराना मंदिर है, आई थिंक हजारों साल पुराना के आसपास होगा, और वहाँ पर जुड़ी हुई गाथा ये है कि जो द्रोणाचार्य जी थे उनके पुत्र जो कि अश्वत्थामा जी हैं, वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, और कहते हैं कि वो आज भी इस मंदिर में पुष्प अर्जित करने, पूजा अर्चना करने आते हैं, और जब वो आते हैं तो यहाँ के निवासी या किसी को भी आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कब आए और कब चले गए, और फूल वगैरह वो शिवलिंग पर कब जो है कौन डाल जाता है ये आज तक कोई जान नहीं पाया। लोग यहाँ के मानते हैं कि वो अश्वत्थामा जी ही हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर कई सारे मीडिया चैनल भी आए, जी न्यूज़, आज तक वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ अभी, तो वहाँ से वहाँ मैं चल करके अभी पुजारी जी से बात भी कराऊँगा, और वो देखो क्या बताते हैं। मैंने जो इतिहास पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि यहाँ पर अश्वत्थामा जी आज भी आते हैं, और मंदिर के कपाट बंद होने के बाद रात में जो भी वाक्य होता है वो कोई भी नहीं जान पाया। कई न्यूज़ चैनल ने कैमरे भी लगाए, सब कुछ लगाया, पर कोई जान नहीं पाया कि अश्वत्थामा जी
कब आए और कब फूल चढ़ा करके, कब पुष्प अर्जित करके महादेव जी के शिवलिंग पर, और वो कब चले गए। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो आज भी वही प्रक्रिया बराबर चल रही है कि वो पुष्प, वो फूल, वो शिवलिंग पर आज भी चढ़े नजर आते हैं। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर सीधे, और बारिश भी हो रही है यार, तो अब होप के ये ब्लॉग मेरा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखा सकूँ। तो आप लोग एक बार फिर से जो है मेरे गाड़ी के मीटर पे देख सकते हो, और गूगल टाइम, एक्चुअली मेरे कैमरामैन का गूगल टाइम जो है, कैमरा जो उसका फ़ोन है, और मैं अपने फ़ोन से चूँकि वो कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो मैं गूगल टाइम कैसे दिखाऊँ, मेरे पास दो फ़ोन भी नहीं है, और उसका सैमसंग का फ़ोन है भाई, रिफ्रेश करने में बार बार दिक्कत कर रहा है, यकीन करने के लिए काफ़ी होता है। और फिलहाल आप मेरे पिछले जो भी वीडियोज़ हैं उन पर देख सकते हो कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं झूठ बोलूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ तो एक बजा भी सकता था, 12 भी बजा सकता था, पर अपनी वो आदत नहीं है। तो चलते हैं सीधे, आपको ले चलते हैं उसी मंदिर की तरफ, और क्या है वहाँ का रहस्य ये दिखाते हैं आपको, बने रहिए ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हो कि रात मेरे हिसाब से इस मतलब शहर के हिसाब से रात नहीं हुई है, लेकिन जिस जगह में एक तो बारिश भी हो रही है, और हम दो लोग यहाँ परेशान हो रहे गाड़ी के अंदर, और आना था बस, तो नाइट का शूट भी आपको कहीं ना कहीं का दिखाना था। तो यार ज़रूरी है क्या कि हम नाइट के शूट को जो है भूत और चुड़ैलों से चालू करें? हम ईश्वर के पास आकर के भी तो ब्लॉग अपना शूट कर सकते हैं। तो मैंने उचित यही समझा कि पहला ब्लॉग जो नाइट का हो हमारा, वो किसी ऐसे स्थान का हो जहाँ पर हमें पॉजिटिव एनर्जी और ईश्वर से जुड़ा हुआ सकारात्मक भाव मिल सके। तो देख रहे हो आप, बारिश भी हो रही है, और हॉन्टेड रोड है ये, तो इस हॉन्टेड रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है। मैं रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी, मुझे यहाँ रोकना उचित भी नहीं लग रहा है, और अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं उतर करके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाता। कहाँ, वो कोई है नहीं, वो तुम्हें लग रहा है ऐसा भाई, मैं क्योंकि मेरा जो चैनल है भाई, उसमें इस तरीके की कोई भी हरकत मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर वो मेरे को फेक बोले, और मैं फेक कुछ भी करना नहीं चाहता। जो भी रियल होगा, जो भी फील होगा, वो अपने को दिखाना है यहाँ पर। और कहीं पर बिजली भी बहुत तेज कड़क रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है लाइट क्यों जला दी, लाइट जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा मेरे भाई। तो ये सामने से कोई आ रहा है, ये कहाँ मुड़ना है, इधर यहाँ सीधे। तो लो जी, हम आ चुके हैं उसी मंदिर के समीप, और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से आज माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको अगर मंदिर का गुम्बद दिख जाए, थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो लाइट जलाएँ और मंदिर के गुम्बद पर लाइट लगाएँ, अगर आई होप कि आपको कुछ दिख सके तो मेरे लिए अच्छा होगा, और नहीं तो माफ़ी चाहना पड़ेगा मेरे को कि आपको मैं कुछ दिखा ना पाया। बहुत
उम्मीद लेकर के आया था कि मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग इस तरीके का ज़रूर बनाऊंगा। सब कुछ भूत ही नहीं होता है और कुछ रहस्यमय चीज़ें भी होती हैं जिन्हें जानना भी एक खिड़की से बाहर थोड़ा सा लाइट दो उस पर मंदिर के गुम्बद पे अगर दिख सके तो दूर पे आप लोग देख सकते हो मंदिर के गुम्बद पे नहीं आप यहाँ से कवर नहीं हो रही है तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मैं आगे चलता हूँ शायद कुछ हो सके और तो अगर आपको कुछ दिखा पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं फ़िलहाल गाड़ी चला रहा हूँ और ये भी एक मंदिर है मेरे आसपास। आगे चलना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अनजान एरिया है, अनजान डगर है, तो यहाँ से वापसी कर लेना ही बेहतर है हमारे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर गाड़ी अपनी वापस ले लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो है आप लोगों को जो है कुछ अलग तरीके से दिखा सकूँ। महाराज जी यहाँ का इस मंदिर का इतिहास क्या है थोड़ा सा वो जानना चाहिए। ऐसा है ये महाभारत समय का मंदिर है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने इस मूर्ति की स्थापना की है। जो उनके लड़के अश्वत्थामा हैं वो प्रतिदिन इनकी पूजा करने आते हैं। आज भी आते हैं ऐसा ऐसा सुना है, आज भी आते हैं जी। रात में 12-1 बजे वो पूजन करके चले जाते हैं। जब सुबह पट खुलते हैं बाबा के तब मूर्ति ये पूजी हुई मिलती है। जैसे अभी ये पट बंद हो चुके हैं, ये पट अब कितने बजे के आसपास खोले जाएंगे? अभी ये खोले जाएंगे 3 बजे। तो उस समय पूजा पूरी तरह हो चुकी है? हाँ, पूरी पूजा हो के अभी हमने आपको देखा था, आपने पूरा रुद्राभिषेक किया है, हर तरह से फूल माला चढ़ाई है। हाँ, पूरा श्रृंगार करके बाबा का, उनका पुष्प जो होता है वो जंगली होता है, वो जंगली आपको या पुष्प। हाँ, रात में मच्छर नहीं चढ़ाते, आपने चावल चढ़ाते नहीं देखा होगा। हाँ, कहो चावल चढ़े मिल जाए। हमने आपको देखा, आपने जल से अभिषेक किया है, फिर चंदन लगाया है और उसके बाद फिर आपने जो है फूल पत्ती और कमल जी का वो अर्पण किया है। बस इसके बाद अगर कोई चीज़ मिलेगी तो उन्हीं की चढ़ाई हुई मिलेगी। इसे चावल है, जंगली पुष्प है, कुछ न कुछ एक अवशेष मिलेगा जरूर। अरे बाबा जी, एक बार ये सुनने में आया कि यहाँ कभी मेला हुआ करता था और 100-150 लोगों की मौत हो गई थी, हाई टेंशन तार, ऐसा कुछ है क्या? ये गलत बात है। ऐसा है कि भादों का आखिरी श्रृंगार होता है यहाँ पे बाबा का शनिवार के दिन जी। तो मिलन केंद्र पे कुछ लोग सामने नौटंकी हो रही थी तो कुछ लोग पी खा के लोग बाग डांस करने लगे और वो तार उसी पर से बिजली के हाई टेंशन लाइन निकली हुई थी तो वो तार जब लोगों के हाथों में छू गए तो वो तार टूट कर गिर पड़े, उसी में 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि अभी भी वहाँ कोई आत्मा वगैरह कुछ दिखती है? कोई कुछ नहीं, सब गलत बात है ये। किसी ने ये बताया था कि आज भी यहाँ पे 12 बजे और 2 बजे के बीच में कोई आत्माएं आती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या है ना? बिल्कुल झूठ है, कोई आत्मा नहीं आती, केवल अश्वत्थामा की जो बात है वो सत्य बात है। आज भी दर्शन करने वो आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेला सावन का ही लगता होगा? हाँ, सावन में लगता है, शिवरात्रि भादों में लगता है, आखिरी शनिचर को कई मेले होते हैं। 28 दिन सोमवार होता है, अमावस होती है। अच्छा बाबा जी, आप भोले बाबा जी की पूजा कब से कर रहे हैं, कब से इनकी सेवा कर रहे हैं? कम से कम हमारी पीढ़ी ये चौथी है। आपकी चौथी पीढ़ी बाबा जी की सेवा कर जी, यानी कि आपके पूर्वज भी इनकी सेवा करते रहे? हाँ, हमारे मंदिर कितना पुराना होगा अंदाजा? मतलब ये द्वापर का है, केवल इसका विकास किया गया है, शिवलिंग यहाँ पे था। हाँ, शिवलिंग था, छोटी सी मठिया बनी थी, फिर ये बड़ा मंदिर विशाल बनवाया गया। श्याम बिहारी लाल सेठ थे लखनऊ के, लकड़ी का वो व्यापार करते थे। जब उनकी नाव यहाँ गंगा के सामने रुक गई है घाट पे, तब नाव जब घूमने लगी तो उनको स्वप्न हुआ रात में कि सेठ जी 2 किलोमीटर दूर पे हमारा स्थान है, उसको आकर उसको बनवाइए। तो उन्होंने वो सोचे कि मिथिला
ऊंचा बनवा दें इसको कि लखनऊ से ये दिखे। तो 52 कलसे का ये छोट बड़े मिला के 52 कलसे का मंदिर बना के उन्होंने छोड़ दिया था। 52 कलसे का किसने कराया क्या? ये पूरा तैयार हो चुका है ना पूरी तरह से? हाँ। तो उन्होंने वो सेठ जी ने पूरा करवाया है या उनके आगे किसी ने पूरा करवाया? नहीं, उन सेठ जी ने अपने हाथ से पूरा करवाया है। और कुछ रहस्य है यहाँ पे ऐसा कुछ? और कुछ नहीं, ये गंधर्व ताला है, इसमें लाल कमल लगाए गए थे, वो जब से बाबा का ये नीर उसमें जाने लगा है तब से उसमें सफेद हो गए हैं। आज भी वहाँ पर सफेद वो कमल निकलते हैं? कमल है। तालाब यहाँ? अच्छा, तालाब कितनी दूर है? ये क्या बगल में है? बगल में तालाब है। हाँ। ये बाबा जी बताइए कि इसके पट अभी कब तक बंद हो जाते हैं मंदिर के? 9 बजे बंद कर ये 9 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद सुबह, मतलब जो 3 बजे कहावत है ऐसी कि अश्वत्थामा जी आते हैं आज भी यहाँ पर, तो ये पहली बार कब पता चला इस तरीके का कि अश्वत्थामा जी वाकई में आते हैं या कुछ ऐसा? ऐसा है, अगर आपको पूर्ण लगे तो कई चैनल वाले यहाँ पे आके, बिल्कुल कई जी न्यूज वाले आज तक वाले सब आकर उन्हें यहाँ पर देखा, कैमरे लगाए अंदर। अच्छा। और उसके बाद उनकी परीक्षा ली, मगर उनके कैमरे भी फेल हो गए। अच्छा, नहीं उसमें कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब वही कैमरे बाहर गए मोबाइल, तो वही सब चलने लगे। अच्छा, और क्या। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर मुख्य मंदिर द्वार पर आ करके और अंदर बाबा जी से मुलाकात की और मंदिर के बारे में हर तरीके से जो है जांच पड़ताल भी की और उस विषय में जो विषय वस्तु हम यहाँ पर ले करके आए थे उसकी पूरी हमने परिकल्पना करके जो है विवेचना करके हर तरीके से बाबा जी से पूछा। और वो जो अश्वत्थामा जी के से जुड़ी हुई कहानी है वो बाबा जी का कहना है कि आज, और यहाँ के अन्य निवासियों का भी कहना है कि वो बिल्कुल सत्य है। आज भी मंदिर के द्वार पर, मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सुबह को जब वापस कपाट खोले जाते हैं तो पुष्प और कुछ मालाएं जो है शिवलिंग के ऊपर हमें रखी मिलती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है। तो ये पूर्ण तरह सत्य है और ईश्वर की एक अनुकंपा इस तरीके की होती है और ये दैवीय शक्ति है, ईश्वर ही शक्ति है कि देखिए इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट हैं जो हर एक मीडिया के पास होते हैं वो यहाँ पर आने के बाद फेल हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम लोग यहाँ बहुत दूर से और पहली बार आए हैं तो आपने हम लोगों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए हम आभारी रहेंगे आपके। हमारा नाम है कमलेश कुमार गोस्वामी, हम यहाँ के पुजारी हैं, आरती पूजा हम ही करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा जी, आपने हमको समय दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है मंदिर अंदर से कुछ इस तरीके का जो है दिखाई दे रहा है और ये मंदिर के ऊपर करो, ये मंदिर का गुम्बद है और कपाट अभी बंद हो चुके हैं, आरती आरती अभी अभी समाप्त हुई है तो अंदर का दृश्य इतना ही है और ज़्यादा हम लोग यहाँ पर कवर भी नहीं कर सकते हैं, कुछ मनाइयाँ भी होती हैं। तो आशा करते हैं आपको जो है जो जानकारी है ये इससे आप सहमत भी होंगे और आपके जो सवाल थे वो यहाँ पर अंत हो गया होगा। दोस्तों दूर पे देख सकते हो आप लोग कि मंदिर का गुम्बद शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको मैं दिन में किसी दिन यहाँ ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आसपास ये एरिया है, ये भी रात हो चुकी तो काफ़ी आसपास मंदिर ही है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा कैमरामैन भी भीग चुका है तो मैं यहाँ से वापस प्रस्थान करना ही उचित समझूंगा। तो अब मैं यहाँ से वापस चल रहा हूँ, तो मैं किसी के शरीर के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ कि ये मंदिर में थोड़ा सा फोकस करो भाई, ये मंदिर है दोस्तों और यही वो मंदिर है जिस पर अश्वत्थामा जी आते हैं और किसी को पता नहीं चलता है वो कब आ करके पूजा अर्चना कर जाते हैं। और ये बगल में एक तहखाना टाइप की बिल्डिंग है, ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी हॉन्टेड है। आगे का नज़ारा भी बंद कर दो भाई, लाइट, गाय माता, किधर चलना भाई?